हे गाइस, बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है आपसे। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, देख सकते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन भी बहुत कम है। देखिए कितना सुहाना मौसम चल रहा है दिल्ली में। लग रहा है दिवाली के बाद इतना कम पोल्यूशन हो सकता है। ये सब हवा का कमाल है। दिया देखिए, चांद भी दिख रहा है और सनसेट भी दिख रहा है आपको। क्या कमाल की बात है, क्या कमाल का दृश्य है। अच्छा मौसम। तो आज मैं ऐसे घूम रहा था तो मेरे को कबूतर के अंडे मिले हैं। इतने बड़े बड़े हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने बड़े होते थे। मेरे को लगता था छोटे से होते होंगे, इतने बड़े होते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। हेयर यू गो, यहाँ पे ये कबूतर बैठी है। अब इसने अंडे दे रखे हैं दो, काफ़ी बड़े हैं। मेरे को पता नहीं था कि इतने बड़े होते हैं कबूतर के अंडे। यू कैन सी गाइस, दीज आर द कपल। इन कपल ने अंडे दिए हैं। अभी उठी हुई थी, दोबारा बैठ गई। लेट्स सी कब तक बैठे रहेंगे। हेलो गाइस, तो ये डे टू और ये अभी तक ये माँ अपने अंडों को कवर कर रही है, गर्म कर रही है। इतनी देर हो गई मुझे यहाँ पे खड़े हुए कि भाई अब हटेगी, अब हटेगी। आपको अंडे दिखाऊं मैं इनके। अभी दोनों हस्बैंड और वाइफ साथ में थे, अभी उड़ा है वो। बहुत देर तक मैं देख रहा हूँ, ये हट ही नहीं रही है। मतलब कि एक माँ का प्यार देखिए आप। चलिए जैसे ये हटती मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत बड़े अंडे हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड। हेलो गाइस, तो आज डे थ्री है। डे थ्री जब मैंने इनको ढूंढा, या फिर किस्मत ने हमको मिलाया, और अब मैं बहुत देर से खड़ा हूँ। ये कबूतर अभी भी अपने अंडों को गर्म कर रही है। मुझे लगा भटेगी, बट लुक्स लाइक ये नहीं हटने वाली अभी। तो अभी और वेट करते हैं, ट्राई करते हैं आपको दिखाने का। एज यू कैन सी, चूज़ा आ चुका है। चूज़ा तो नहीं, बेबी बर्ड। और ये कल तो नहीं आया था, क्योंकि कल तो मैंने एग्स देखे थे इनके। तो मे बी ये रात को या फिर आज ही हैच हुए हैं। परसों तक ये दो अंडे थे और अभी तो मुझे यहाँ पे एक ही बेबी बर्ड दिख रहा है। क्या पता नहीं एक है या दो हैं। अभी वो हिल हट ही नहीं रही है और उनके ऊपर बैठ गई वो गर्म, क्योंकि हवा चल रही है यहाँ पे गर्मी देने के लिए। ये येलो कलर का छोटा सा, बहुत प्यारा। उसके मुंह में कुछ डाल रही है, मे भी खाना डाल रही है वो। हाँ, कुछ डाल रही है मुँह में वो, और दोबारा ऊपर बैठ गई। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। मैंने पूरा जूम कर रखा है अपना कैमरा, बहुत दूर है ये। नेकेड आई से बहुत क्लियर है ये। मैं जब अगर हटेगी वो दोबारा दिखाता हूँ आपको। तो ये इसका हस्बैंड होगा, मे बी मेल पार्टनर इसका। और आज थर्ड डे था जब मैंने देखा इनको, थर्ड डे। और आज दिल्ली में 26 नवंबर है। आज के दिन, शायद आज के दिन ही ये हैच हुए हैं एग्स। अरे मे बी कुछ खाना वगैरह लाया होगा, पता नहीं, आई डोंट नो। बट देखिए आप, देखिए हट रही है, हट रही है। एक अभी एग है, एक एग है और एक चूज़ा है, और अब दूसरा पार्टनर आ गया है। तभी नो डाउट कि हमें नहीं दिखता ये। इतनी जल्दी इन्होंने स्विच किया, देखा आपने कितनी जल्दी स्विच किया इन लोगों ने। अभी हमने देखा कि एक एग है और एक अभी हैच हो चुका बेबी बर्ड है। दो थे, एक हैच्ड है, एक तो मतलब बेबी बर्ड जो है वो अभी के अभी ही आया होगा। मतलब आधे घंटे के अंदर, आधे एक घंटे के अंदर ही आया होगा वो। अभी देखिए देखिए देखिए, बोरा बोरा हल्का सा हिल रहा है नीचे। एक एक बोरा, एक बोरा। अब आई डोंट नो कि ये मेल है या फीमेल है, या फिर वो मेल था या फीमेल था। हो सकता है इनमें, बर्ड्स में दोनों ही गर्मी देते हैं, दोनों ही खाना लाते हों। जब तक मुझे पता है मेनली फीमेल्स लेके आती हैं खाना। तो बट अब मैं कुछ पता नहीं मेरे को, ये उसका रेस्ट और शिफ्ट होती है वो इनकी। ये देखो, एक उनका एक वायर निकल रहा है वो नेस्ट का। अभी सही कर रहा था वो, ये कर रही थी। बहुत अच्छा है ये।
और हाँ, मैंने ये नोटिस किया, ये हर बहुत जल्दी जल्दी अपने पोजीशन चेंज करते रहते हैं खुद को हिल के गर्मी देने के लिए, ताकि बेबी कंफर्टेबल रहे और एक भी कंफर्टेबल रहे, हिलते रहते हैं ताकि एक पोजीशन में ना रहें।